हरियाणा की कई मंडियों में धान की आवक शुरू हो चुकी है। हम पीपली अनाज मंडी में खड़े हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें जो देख रहे हैं उसमें धान मंडियों में पहुँच चुका है। ये कौन सी वैरायटी है और इतनी जल्दी एक तरह से मंडी में कैसे धान आ गई, क्योंकि अभी धान का एक तरह से सीजन तकरीबन आने का नहीं रहता, लेकिन ये वैरायटी कौन सी है और इस तरह से जो किसान अभी लेकर के आ रहे हैं, हम जो मंडी में जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या कहेंगे, कौन सी वैरायटी है और इतनी जल्दी जिस तरह से मंडियों में आवक शुरू होगी? सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पर पीपली अनाज मंडी में पहुँचने पर एसोसिएशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आप समय समय पर हम मंडियों में किसानों की, आढ़तियों की जो समस्याएं होती हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी मंडी में ये अब जो धान आई है ये 1509 है, इसको किसान थोड़ा जल्दी लगा लेता है क्योंकि इसके बाद इसके काट के आलू लगाने की कोशिश करता है। हमारी मंडी आलू और प्याज के लिए ज़्यादा मशहूर मानी जाती है। और जो ये 1509 है ये किसान लेकर आया है, ये मान के चलो आप करीब करीब आज की डेट में हमारी मंडी में 3000 रुपये से लेके 3600 रुपये तक ये माल बिक रहा है मंडियों में। तो प्राइवेट बिक रहा है क्योंकि सरकारी तो खरीद इसकी होगी? हाँ, ये माल प्राइवेट बिकता है, किसान में इसका सरकार में इसका कोई वो नहीं है रोल, ये प्राइवेट सेलर वाले लेते हैं क्योंकि ब्रीक धान होती है। और जो सरकार का माल होता है, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब की बार थोड़ा मंडियों में सरकार ने जल्दी खरीद शुरू करनी चाहिए। जो पहले सरकार 1 अक्टूबर से खरीद शुरू किया करती थी, मैं आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ पीपली अनाज मंडी की तरफ से, और मैं स्टेट के कार्यकारिणी सदस्य की तरफ से होने के नाते मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ आपके बार मंडियों में 15 तारीख से कम खरीद शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हर बार 20 तारीख को मंडियाँ फुल भरी जाती हैं, किसान दर दर की ठोकरें खाता है, उसका माल नहीं बिकता है, क्योंकि प्राइवेट जीरी मोटी धान को कोई ले नहीं रहा, गवर्नमेंट अपने खाते में लेती है और गवर्नमेंट की डेट जो 1 तारीख होती है। इसलिए हम बार बार सरकार से, पिछली बार भी हमने यही निवेदन किया था कि मंडियों में 15 तारीख से धान की खरीद शुरू कर देनी चाहिए। और मैं जो हमारी स्टेट की कार्यकारिणी हमारे अशोक जी उनके प्रधान हैं, मैं उनके माध्यम से और उनकी तरफ से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो हम 5-4 मुद्दों पे सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं किसानों की और अपने आढ़तियों की भी, और मैं कहना चाहता हूँ जो हमारा एक मेन सबसे एक मुद्दा है, किसान जो सरकार डायरेक्ट किसानों को पेमेंट देती है, हम कहते हैं कि दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, आढ़ती को किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक दिक्कत जरूर आती है कि कम से कम सरकार एक बार किसान से पूछ लेना चाहिए भी आप अपनी पेमेंट डायरेक्ट लोगे या आढ़ती के थ्रू लोगे। तो जिन इलाकों में आलू की ज़्यादा खेती होती है उन इलाकों में जो 1509 जो जीरी की धान की जो वैरायटी है वो उनकी बिजाई होती है और उसकी आवक एक तरह से मंडियों में हो चुकी है। आप देख रहे हैं इसकी सरकारी खरीद तो नहीं होती, लेकिन जिन किसानों की जो धान पहुंची है उनको प्राइवेट खरीदार मिल जाते हैं और अच्छा भाव मिल रहा है। रणदीप रोड पंजाब के सिटी टीवी कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।